क्या हाल है दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बनाएंगे कुछ गिटार बेस्ड पंजाबी म्यूजिक यूजिंग सेशन लूप्स। सो सेशन लूप्स बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने गिटार्स को कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ग्रूव्स चेंज कर सकते हो आप, कॉर्ड्स चेंज कर सकते हो, टेम्पो अपने हिसाब से कर सकते हो, उन पे इफेक्ट्स लगा सकते हो और भी बहुत कुछ। सो यहाँ पे आप अपना एक न्यू लूप भी बना सकते हो यूजिंग बहुत सारे अलग अलग ग्रूव्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आपका गाना है और आपके गाने में आपने कॉर्ड्स यूज करें ए माइनर, सी मेजर और जी मेजर। ओके, बट आप उसके लिए गिटार जो यूज करना चाहते हो, जो आप लूप ढूंढना चाहते हो, वो आपको प्रॉपर वो कॉर्ड्स पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट आप वो चीज सेशन लूप्स पे कर सकते हो। सो आप सेशन लूप्स पे गए, आपने कोई गिटार आपको पसंद आया लूप, ठीक है, सो आपने उसको उठाया एंड आप अपने गाने के कॉर्ड्स के हिसाब से वहां पे कॉर्ड्स चेंज कर सकते हो कि जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में प्रॉपरली फिट हो सकता है। सो एक बहुत ही अच्छा टूल है आपके प्रोडक्शन के लिए। सो आज हम यही देखेंगे, उसके साथ म्यूजिक बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि मैं कल अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर रहा हूँ मुझे प्यार हो गया का विनर। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पसंद किए विनर्स वो आपको पसंद आएंगे। सो कल मैं अनाउंस करूंगा, आप मेरे को फॉलो कर लो, मैं अपना इंस्टाग्राम नीचे दे रहा हूँ। सो वहाँ पे कल मैं अपना विनर अनाउंस कर रहा हूँ। सो मैं आई एम सॉरी कि थोड़ा सा लेट हो गया विनर अनाउंस करने में, बट मैंने सारे सुने, एक एक सुना है अकेला अकेला पूरा पूरा। सो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया है। सो आप मेरे को फॉलो कर लो एंड तो ये सेशन लूप्स की वेबसाइट है और आज हम नायलॉन ड्रीम्स यूज़ करने वाले हैं साउंड पैक, जिसमें से हम गिटार्स यूज़ करेंगे। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो वो बहुत ही मिनिमम है, 450 मंथली कॉस्टिंग है जो बेसिक प्लान है आप इनका, और इतने पैसे आप चाय पानी और इधर उधर उड़ा देते हो। मेरी सजेशन है कि आप म्यूज़िक पे आप खर्च करो पैसे थोड़े एंड ये आपको हेल्प करेगा। ओके, सो हम कुछ गिटार लूप सुनते हैं। सो पहला ही गिटार लूप कितना प्यारा साउंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे की भी लिखी है एंड इसका टेम्पो भी लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पे ये आइकन है, आपने इसको क्लिक किया, अब ये इसका बी मेजर सेवन और ये कॉर्ड यूज़ कर रखे हैं इन्होंने। ओके, सो अब हम चाहते हैं कि जो सेकेंड कॉर्ड आ रहा है, सो ये अभी बी मेजर के स्केल में, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड कॉर्ड आए वो आ जाए हमारे पास एफ शार्प। अभी हमने बेसिक एक बार कॉर्ड चेंज करके देखा, वो ऑलरेडी बहुत प्यारा साउंड कर रहा है। सो हम यहाँ पे कोई भी कॉर्ड को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अब हमको समझ आ रहा है कि हमको यहाँ पे ग्रूव अच्छी नहीं लग रही, सो हमारे पास इधर से ग्रूव्स हैं, हम उनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम नया लूप बना सकते हैं। सो ये तो हो गई इनकी बातें, अब हम कुछ गिटार्स देखते हैं, बीट बनाते हैं। ये बड़ा प्यारा सा है, इसमें क्या है, एफ शार्प माइनर के स्केल है, इसको क्या है। सो अब ये पूरा बहुत ज्यादा हाई लग रहा है इसको, हम नहीं हाई पे ही अच्छे लग रहे थे। बी माइनर के बाद हम सी शार्प माइनर यूज़ करेंगे तो वो बहुत प्यारा लग रहा है, उसको हम डाउनलोड करते हैं, कुछ बनाते हैं। और एक बहुत अच्छी और चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे हमारे को पता है कि कौन से कॉर्ड्स हैं। बेसिकली आपने कहीं साइमेटिक से कहीं से भी गिटार लूप सुना, आपको मिडी नहीं पता होती कि उसकी क्या है, कई बार वो इतने ऐसा परफेक्ट से कॉर्ड होते हैं कि आपको समझ नहीं आता। ओके, पर यहाँ पे हमको पूरी मिडी है हमारे पास कि इस पॉइंट पे ये कॉर्ड बना, सो वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। Thank you.
थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सो इसको हम रेंडर कर सकते हैं। सो इसका स्टार्ट बहुत हमेशा लो फाई सा और क्या कहते हैं शांत सा रखते हैं पीछे पीछे, और ये मोनो में खुलेगा और एकदम से जब हमारा वर्स आएगा तो ये वाइड हो जाएगा। ओके के रोल मिले मेरे को, ये अच्छे लग रहे हैं, इनको मैं ऐसे बीच में फिट करते हैं। बहुत पीछे पीछे रखेंगे। सो ये है पहली बीट, ये रहा प्रीव्यू। एक बीट तो हमने बना ली, अब हम कुछ पॉप डिस्को सा कुछ बनाते हैं। एक बार फिर से चलते हैं वहां पे और कुछ देखते हैं और लूप्स।
सो इसका BPM 115 है, सो मैंने कुछ पॉप डिस्को फंक उस टाइप का BPM रखा हुआ है। सो इस गिटार पे पहले कोरस लगाते हैं जूनो, थोड़ा वो 80s वाला वाइब रखने के लिए। सही, इसके नीचे हम कुछ कॉर्ड्स रखते हैं। आर्प बनाते हैं यहाँ पे।
मानता हूँ। So, यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल होना चाहिए। तो इस लूप का हम पहले थोड़ा सा लो एंड काट देते हैं। हमको अच्छा रहेगा, तो यहाँ से देखते हैं। ये टोन थोड़ी और मोटी होनी चाहिए। अगर हम इसको 12 सेंट नीचे फेंक दें, इसको स्ट्रेच वगैरह तो फेंकें। तो यहाँ पे एक हम हाई मेलोडी रखते हैं एंड आई थिंक उसके बाद हमें इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं। सो अगर हम यहाँ से इसके अंदर इंपैक्ट्स में लिक्स भी हैं, अगर हम उनको देखें एक बार, अगर टॉप मेलोडी हमको मिलता है, हम यहाँ से देखते हैं लिक्स में से। उसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसका, देखते हैं सारे गाने के साथ कैसी लगती है। आए, आए। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और अब मैं इसका प्रीव्यू सुनूं और आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे प्यार हो गया का रिमिक्स के कॉन्टेस्ट का मैं कल विनर अनाउंस कर रहा हूँ एंड आप सेशन लूप्स को भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दोनों पे जाके एक बार चेक करो और जाके प्लीज़ उनको एक बार सब्सक्राइब करो और एक बार उनकी साइट ज़रूर चेक करना आपके आपको कैसा लगा। मेक श्योर कि आप उनको फॉलो करो और देखो एक बार। सो थैंक यू सो मच। KP on the beat.